हम देखेंगे कि हमारे दिल के अंदर कितनी आरजुएं होती हैं, द डिजायर्स ऑफ आवर हार्ट होती हैं, हर किसी के अंदर डिजायर और बेशुमार किस्म की डिजायर होती है। तो हम चंद एक जो खास डिजायर्स हैं उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे चंद रोज। इसके लिए हम देखेंगे प्रावर्ब्स, इंसान की किताब, उसका 13वां बाब और उसकी 12वीं। प्रावर्ब्स 13:12 यह लिखे हैं, उम्मीद के बर आने में ताखीर दिल को बीमार करती। अंडरस्टैंड नाउ, उम्मीद के बर आने में ताखीर दिल को बीमार करती, पर आरजू का पूरा होना जिंदगी का द्रव है। ये फ्रेज है और बड़ी गहरी सच्चाई है। न्यू किंग जेम्स ट्रांसलेशन यू करती है, होप डिफर्ड मेक्स द हार्ट सिक, बट वेन द डिजायर कम्स इट इज ए ट्री ऑफ लाइफ। जब डिजायर, जब ख्वाहिश पूरी होने में वक्त लगता है तो बंदा बैठ जाता है, दिल बैठ जाता है, यार इनने सॉल्व होगा ने राइट, काम नहीं होया, मेरा ड्रीम ही पूरा नहीं होया, इन्हें सौ लग गए, दिल बीमार पड़ जाता है, हार्ट बिकम सिक। और जू ही वो ड्रीम पूरा हो जाता है, ख्वाहिश पूरी हो जाती है, बंदे की जिंदगी हरी भरी हो जाती है और खुशी से वो फूले नहीं समाता, फल लगना शुरू हो जाता, लहरा बहरा हो जाती है ना, है ना। लगे एक और तर्जमा है, नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट कैन ब्रेक योर हार्ट। जो कुछ आप चाहते हैं अगर वो आपको ना मिले तो आपका देह टूट जाता है, टूट जाता है ना विक्रम, ऐसे ही टूट जाता है कि नहीं? हाँ जी। क्यों भट्टी साहब, आपका नहीं टूटता, मेरा टूट जाता है। जब दिल की मुताबिक आपको वो चीज ना मिले, योर हार्ट ब्रेक्स, बट ए विश दैट कम्स ट्रू इज ए लाइफ गिविंग ट्री। वो जब विश पूरी हो जाती है, आई विश आई कुड डू दैट, I wish I had a mansion. I wish I had an aeroplane, right? और जब वो मिल जाती है तो दिल बाग बाग हो जाता है। When our hope delayed in its realization, then हम लम्बे पै जाते हैं, पूरी ना हो ना, बंदा ऐसे मुरझाया हो जाता है, मरा होता है, हर किसी के साथ दुख करता है, बांटता है, शेयर करता है, यार मर गया, लुट गया, ये हो गया, हार्ट जो है वो सिकर हो जाता है, डैमेज सिक हो जाता है। बट वेन इट इज रियलाइज इट कंफर्ट्स एंड इन इनविगोरेट
gives strength. हमारा हार्ट जो है उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, जिंदगी के अंदर बहारें आ जाती हैं, आवर बॉडी एंड सोल यू नो एनर्जेटिक हो जाती है, क्योंकि वो ख्वाहिश जो है आपकी, वो सपना जो है वो आपका पूरा हो गया है. इन अदर वर्ड्स, व्हेन द डिजायर थिंग्स, जो चीजों, जिन चीजों की हमने ख्वाहिश की होती है, द थिंग्स वी वॉन्ट, द विशेस वी हैव, डोंट कम ट्रू, इट ब्रेक्स आवर हार्ट एंड आवर हार्ट बिकम सिक एंड टायर्ड, वी बिकम सैड एंड डिस्करेज्ड. बट व्हेन आवर ड्रीम्स कम ट्रू, इट गिव्स अस जॉय, gives us life, new energy, happiness. हर वक्त चेहरा आपका खिला खिला रहता है और आप खुश रहते हैं. और ये चीजें हम देख सकते हैं बाइबल के अंदर मुकद्दसीन की जिंदगियों में. मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं इब्राहिम की जिंदगी. इब्राहिम को जब प्रॉमिस किया गया था कि मैं तुझे बेटा दूंगा, कितने साल हुए, कुछ नहीं हुआ, 25 साल, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक, उसकी वो विश, वो जो उसके अंदर खुदा ने क्रिएट की थी कि मैं तुझे बेटा दूंगा, होप दी थी, वो उसकी चाहत थी, विश थी, वो पूरी नहीं हो रही, डिलेड हो रही है. तो ही वॉज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड, ही वॉज काइंड ऑफ सैड, और उसके अंदर सिख जब दिल हुआ तो उन्होंने क्या किया, उसने सबसे पहला जो फैसला किया, उसने, क्योंकि वो बड़ा अमीर था, दौलतमंद शख्स था, तो और उसका कोई वारिस नहीं था, राइट? तो इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी जायदाद का वो क्या करता, लोगों के हवाले तो नहीं कर सकता. तो उसने क्या किया, जब वो विश पूरी नहीं हुई, वो उसका डिले हुआ, उसकी जो डिजायर थी वो डिले हुई, तो उसने अपने नौकर को, जो दमिश्क का नौकर था उसका अलीएजर, उसको उसने लैपालिक अपना बेटा वारिस मुकर कि मेरे मरने के बाद ये मेरे घर का वारिस, मेरी जायदाद का मेरे वारिस. फिर आप देखते हैं कि उसने वो जब डिसहार्ट हुई सेरा, तो उसने क्या किया, वो जब डिसार्ट हुई तो उसने हेगर को, हाजरा को उसकी बीवी बनने के लिए दे दिया. ये जब बंदा डिसार्ट होता है, डिले होती है, तो फिर बंदा कुछ और ही कर डालता है. फिर हम देखते हैं डेविड की जिंदगी में, डेविड की जिंदगी में 42 जो शाम है उसके अंदर आप देखिए कि वो कितना डिप्रेस्ड है. उसकी वो घर से निकाल दिया गया, उसके बेटे ने, उसके अपने खून ने बगावत कर दी, किंग को नंगे पांव महल से बाहर निकलना पड़ा, रोता हुआ बाहर निकल गया, नंगे पांव तपती धूप के अंदर जंगलों में चला गया, अपने बेटे के डर के सबब से जिसने बगावत कर दी, उसने उसकी लाइफ को रुवन कर दी. और फिर हम देखते हैं जब होप डिले होती है तो क्या होता है, डिसाइपल्स को देखना, जब वो मसीह खुदा उनकी वो उनको स्लीपर दे दिया गया, और उनकी सारी वो होप्स जो हैं, वो डिजायर्स जो हैं, वो जाती रही. और वो आप देखते हैं उनको कि वो अमाउस की राह पर वो जा रहे हैं दो बंद, और उसी खुदा उनसे यू नो रास्ते में मुलाकात होती है, लूक 24:17-21. और अब देखते हैं कि वो कैसे वाक तो वो कर रहे थे पर वो सैड थे, डेड थे, उनका हार्ट सिक, उम्मीद के, उम्मीद भर नहीं ना, नहीं पूरी नहीं, हार्ट सिक था, वो चल रहे थे लेकिन सिक, गमगीन,
their heart was broken. Although they heard the message of के यीशु मसीह जी उठा, लोग खबर तो निकली थी ना मरियम मैगडलीन के जरिए से, खबर तो फैल रही थी कि वो जी उठा, लेकिन स्टिल उनका हार्ट सैड सिक। सो डिजायर्स जो हैं, ये बेस्ट बहुत किस्म की डिजायर्स जो हैं वो हमारी जिंदगी में पाए जाते हैं। एक डिजायर जिसका मैं आज जिक्र करूंगा वो है मटीरियल डिजायर, माल और दौलत की ख्वाहिश। ये हर आम डिजायर है, राइट? और तो अंदर की बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, पर जनरल जो है आम डिजायर है वो क्या है? फिजिकली अमीर हो, राइट? मटीरियल डिजायर के माल और दौलत की ख्वाहिश। Every one of us has this desire all the time in our hearts. And it's not bad. ये कोई बुरी बात नहीं है ये ख्वाहिश रखना कि मेरे पास दौलत हो, मेरे पास पैसा हो, right? But when we use this wealth, फर्क यहां आके पड़ता है कि जब आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं अपनी उस दौलत। How you use your wealth. If you don't use that wealth for God's glory, then it is problem. Then it is sin. Then it is troubles. ये कोई sin नहीं है कि आपके पास दौलत। लिडिया का नाम सुना आपने? आपने नहीं सुना? लिडिया, लिडिया वाज दी वुमन, वो एक औरत थी जो अपने माल से पौलुस की और उसके साथियों की खिदमत करती थी। और कहा जाता है कि वो यूरोप के अंदर पौलुस की पहली कॉन्वर्ट थी, और ओरिजिनली वो थी फ्रॉम थाइथेरिया की रहने वाली, लेकिन थाइथेरिया जो है वो तुर्की के अंदर, ठीक है, बट वो मूव्ड हो गई फिलिपिया के अंदर, जिसको फिलिपियों का खत लिखते हैं, फिलिपी, उस शहर के अंदर वो मूव हो गई, जो कि एक ग्रीक सिटी था, यूनानी शहर था समंदर के किनारे, और मुकदस पौल जो है वो उसको वहां पर मिले एक दिन सब्बत के दिन, जब वो जो यहूदी बिलीवर हुए थे, ईमान लाए थे, जब उनकी मीटिंग के अंदर वो गैदर हुए थे, और जो पॉल थे वो वहां पर बातचीत कर रहे थे, तो उस वक्त लिडिया जो है वो उस वर्शिप प्लेस के अंदर पौलुस से मिली, और उसने फिर पौलुस को और उसके साथियों को इनवाइट किया कि वो उसके घर में रहें, और अपना जितना ऑपरेशन वो करते हैं मिनिस्ट्री का, अपनी जितनी मिनिस्ट्री करते हैं वो उसके घर से करें, रहें उसके घर में, और वो उनका हेडक्वार्टर हो, वहां से वो ऑपरेट करें पूरे शहर के अंदर अपनी मिनिस्ट्री को, जैसे चाहे वो कर सकते हैं। लिडियाज हाउस बिकेम यूरोप्स फर्स्ट नोन चर्च, पहला उसने अपना घर जो है वो चर्च के लिए दे दिया, वहां लोग जमा होते थे, इबादत करते थे। द बाइबल टेल्स अस दैट थ्रू आउट पॉल्स मिनिस्ट्री द फिलिपियंस क्रिश्चियंस had sent him money, right? आप पढ़ते हैं नया नामा तो आपको
वो चंदे इकट्ठे करके क्लीसिया के अंदर से दूसरी क्लीसियाओं को भेजते राइट। पॉल्स न्यू टेस्टमेंट लेटर टू फिलिपियंस वॉज ए नोट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर सच अ गिफ्ट। लिडिया वॉज वन ऑफ पॉल्स फर्स्ट कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। कैन यू इमेजिन कि एक औरत का इतना कामयाब होना मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर कितना मुश्किल काम था, कितना मेहनत तलब काम था। लोगों जहां पर मर्दों की हुक्मरानी हो औरतों को कौन जीने देता, आज कितना मुश्किल हो रहा है। लेकिन उस जमाने में हजारों साल गुजर चुके हैं, उस जमाने में उस औरत ने अपना बिजनेस जो है वो डेवलप किया हुआ था। वो टेक्सटाइल के अंदर पर्पल जो क्लॉथिंग है वो बेचती थी वो, और उसका इतना वो अमीर थी कि उसका बहुत बड़ा मेंशन होगा, बहुत बड़ा घर होगा जिसको उसने वक्फ कर दिया मीटिंग प्लेस के लिए। और यूरोप की फर्स्ट चर्च जो है वो उसके घर में शुरू हुआ। उसके बाद आप देखें कि कितना वो जो आप आज जो बड़े बड़े आप मेंशंस, बड़े बड़े कैथेड्रल्स जो आप देख रहे हैं वो कहां से आए। सेंट्रल लंदन के अंदर आप देखें जो वो बना हुआ है, क्या उसको कहते हैं, वेस्टमिंस्टर एबी, कितना बड़ा शानदार, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स उसकी हिस्ट्री है। वो कैसे हुआ, लोगों ने, जो अमीर लोग थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने दिया। वो रॉयल चर्च जो है सेंट्रल लंदन के अंदर, और जहां पोप रहते हैं, जो पोप का रेजिडेंस है वेटिकन सिटी के अंदर, वो जगह कितनी बड़ी जगह जो है वो बिल्डिंग, वो सारी वो उस वक्त के जो उस जमाने के लोगों ने शेयर किया, दिया, कंट्रीब्यूशन किया, और उनके पास दौलत थी तो उन्होंने दिया। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी दौलत को, अपने रुपए पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, टू बी गिवन फॉर गॉड्स ग्लोरी। डिजायर तो हम करते हैं, डिजायर बुरी नहीं है, पर इसको, इसका यूज जो है वो हम कैसे करते हैं। नाउ इफ यू डिजायर टू मेक मनी दैट्स नॉट बैड, दैट्स नॉट सिन, बट इफ यू चोक ऑफ योर जेनरॉसिटी, अगर आपका जो खुला दिल है वो बंद हो जाए, देना आपका हाथ पीछे हट जाए देने के लिए, then it's become problem. So what will happen? Then you will live in debts. आपने देखा कितने कितने अमीर लोग जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं और सड़कों पे आ जाते हैं, क्यों? जब आप हाथ रोक लेते, देखें ये सांस जब तक हम लेते हैं बाहर निकालते हैं, सांस अंदर आता है फिर बाहर निकलता है, तो फिर जिंदगी जो है वो कायम रहती है। पर अगर आप सांस ले लें और इसको रोक लें अंदर ही, तो कैन यू लिव? नो, यू विल डाई। दैट्स व्हाट हैपेंस। जब आप दौलत ले लेते हैं, आपको मिल जाती है दौलत और आप रोक लेते हैं, देन बर्बाद हो जाता है काम। पर जब वो चैनल होती रहती है, निकलती रहती है, जाती रहती है खुदा के काम के लिए, जिसने आपको दी है वो दौलत, अगर वो उसके काम के लिए खर्च होती रहती है, तो ये डिजायर जो है वो बुरी नहीं, ये डिजायर बुरी नहीं। हाउएवर द बॉटम लाइन इज माय फ्रेंड, व्हेन आवर डिजायर फॉर मटेरियल सक्सेस इज टू ग्लोरीफाई एंड ऑनर गॉड and bless others, you will succeed. आपको बरकत मिलेगी, आप prospered होंगे।
सो अगर आप के अंदर ये ख्वाहिश है और आई बिलीव कि आपके अंदर है, तो आप हमेशा याद रखें कि ये ख्वाहिश बुरी नहीं है, पर जब आपको दौलत मिल जाए तो आपने खुदा को अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी देनी है. yes, उस दौलत को, उस पैसे को, मनी को आपने लालच नहीं करना, बल्कि खुदा के लिए उसको वक्फ करना है. yes. So always remember to use your money, your wealth for God's glory and His honor. So you will never lack of anything. आप किसी चीज के मोहताज नहीं होंगे. Let us pray. Dear God, we thank you for everything you have blessed us with now and for the things you want to bless us with. Help us to always keep in mind to use these material blessings, our money, our wealth, to glorify your holy name. Because we know and believe that you have given us the power and strength and health to make such wealth in our lives. Whatever we have today, it is all yours, O God, and give us the wisdom to use it for your glory and honor. In Jesus' mighty name we pray, and all God's people said, Amen.